वर्षों में नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में विश्वसनीयता और उच्चतम तकनीक से अपना नाम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल ने हाल ही में एक और बेहतरीन कार्य किया है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल ने तिरछेपन से पीड़ित कई लोगों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके इस अवसाद से छुटकारा दिलाया है। प्रदेशवासियों को जन्मजात तिरछेपन से निजात पाने के लिए अब वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब वो किफायती दामों में ये सुविधा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। विख्यात नेत्र सर्जन व श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चारुदत्त कमलकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जब दोनों आंखें एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति को भेंगापन कहते हैं। जिन लोगों को ये समस्या होती है उनकी आंखें अलग अलग दिशा में कार्य करती हैं, साथ ही अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। स्काइट, जिसे आँखों का तिरछापन या भेंगापन भी कहा जाता है, जिससे आँखों की मांसपेशियाँ जो कि आंखों के घुमाव को नियंत्रित करती है उनके संतुलन में कमी आ जाती है। आंखों का तिरछापन बच्चों में और बड़ों में दोनों में हो सकता है। बच्चों से लेकर वयस्क में कभी भी हो सकती है। इसका सही समय में इलाज करने से इसका इलाज होने का संभव होता है। आप फिर सीधी हो सकती है। अगर इलाज में किसी भी तरह की देरी की जाए, लेट किया जाए तो नजर में भी कमजोरी आने का खतरा रहता है। इसीलिए इसका हमको सही समय पर डायग्नोसिस करना रहता है, सही समय पर इलाज करना रहता है। इसका इलाज ऑपरेशन के माध्यम से, चश्मे के माध्यम से किया जाए।